ज्ञानवापी को लेकर आज निचली कोर्ट में अहम सुनवाई। श्रृंगार गौरी के सामने वाली दीवार हटाने पर होगी सुनवाई। मलबा हटाने की भी की गई मांग, निचली अदालत करेगी सुनवाई। सरकारी पक्ष ने की मांग, नमाज की जगह को बदला जाए, वाराणसी कोर्ट आज करेगी सुनवाई। तीन महिलाओं ने दायर की है याचिका, पूजा करने के हक की उठाई मांग। मिलते थे हम लोग मंदिर में मिलते थे तो हम लोगों ने विचार किया जैसे सारे मंदिर में देवी देवता का पूजा हो रहा है उसी तरह हम लोग श्रृंगार गौरी को भी मुक्त किया जाए, इसीलिए हम लोग आपने पूजा की है श्रृंगार गौरी की नवरात्र में चतुर्थी के दिन। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा शिवलिंग के दावे वाली जगह को रखा जाए सुरक्षित, वाराणसी प्रशासन को जारी किए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दी हालात बदलने की दलील, अदालत ने जारी किया ज्ञानवापी में नमाज नहीं रोकने का आदेश। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी ज्ञानवापी में सर्वे रोकने वाली याचिका, देश की सबसे बड़ी अदालत ने की संतुलन की बात। ज्ञानवापी केस में 19 मई को होगी अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष और यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। वाराणसी कोर्ट में दो दिनों बाद पेश होगी ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने दी मोहलत। वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया, सर्वे से जुड़ी सूचनाएं लीक करने के आरोप में कार्रवाई। ज्ञानवापी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा बुनियादी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है सत्तारूढ़ पार्टी। नमाजियों की ज्ञानवापी में एंट्री पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई खुशी, बोले ट्रायल कोर्ट ने नहीं सुना मुसलमानों का पक्ष। कर्नाटक के शिवमोगा में एसडीपीआई कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, ज्ञानवापी मसले में लगाया साजिश का आरोप। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई आपात बैठक, ज्ञानवापी मस्जिद, टीपू सुल्तान मस्जिद सहित दूसरे विवादित स्थलों पर चर्चा। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस की सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित, हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के जैसे सर्वे के लिए दायर की है याचिका। कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं को पुनर्स्थापित और पूजा पाठ के अधिकार को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में टली सुनवाई, अब 24 मई को होगी कानूनी जिरह। एमपी के नीमच में हनुमान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बवाल, दरगाह के पास मंदिर निर्माण पर एक पक्ष ने किया ऐतराज। विवाद के बाद दोनों पक्षों में हाथापाई, पुराना कचहरी इलाके में कई बाइक फूंकी। उज्जैन में बिना नींव की मस्जिद को लेकर विवाद, महामंडलेश्वर अतुलेशानंद की मांग, ये मंदिर है। राणा दंपति के खिलाफ आज मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई, मुंबई पुलिस ने दी है याचिका। मुंबई पुलिस की मांग, राणा दंपति की बेल रद्द हो, बेल की शर्तें तोड़ने का लगाया आरोप। रेप के आरोपी राजस्थान के मंत्री के बेटे का आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने की संभावना, सदर थाने में पेश हो सकता है महेश जोशी का आरोपी बेटा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम जयपुर में कर रही है जांच, सोमवार को महेश जोशी के घर पर चिपकाया था समन। शाहरुख के बेटे आर्यन के केस में आज किरण गोसावी से होगी पूछताछ, पुणे की जेल में कैद है गोसावी। असम में बाढ़ से विकट हालात, 24 जिलों के हजारों लोग बेघर। असम में कई रेलवे पुलों को भारी नुकसान, लोगों को रेस्क्यू किया गया। बोगाईगांव में भी बाढ़ से हालात खराब, कमर तक भरा है पानी। अरुणाचल में भी भारी बारिश, कई जगह पर खतरनाक लैंडस्लाइड। ईटानगर में लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 4 की मौत, हर तरफ फैला मलबा। बेंगलुरु में कई घंटे से लगातार हो रही है बारिश, कई कॉलोनियों में घुसा पानी। सड़कों में कई फुट तक पानी भरा, आवाजाही में भारी दिक्कत। बेंगलुरु शहरों में सड़कों पर पानी में डूबी दिखी गाड़ियां, आदर्श नगर और यशवंत नगर सबसे ज्यादा प्रभावित। केदारनाथ में भी लगातार हो रही है बारिश, पैदल रास्ते को फिलहाल किया गया बंद। हिमाचल में भी भारी बारिश और बर्फबारी, शिमला से सोलन तक हर जगह पानी ही पानी।
अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। 30 जून से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा पर हुई बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। श्रद्धालुओं का होगा बीमा, मिलेगा RIFD कार्ड। राजस्थान के बाड़मेर में हिंदू संगठनों ने सीएम गहलोत का फूंका पुतला, सांप्रदायिक घटनाओं पर जताया गुस्सा। जम्मू में अवैध लाउडस्पीकर हटाने और ध्वनि कम करने का प्रस्ताव पारित, नगर निगम की बैठक में हुआ फैसला। औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र की बढ़ाई गई सुरक्षा, पुरातत्व विभाग और पुलिस की ओर से तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी। मोहन भागवत वेस्ट मिदनापुर पहुंचे, भागवत की यात्रा के दौरान सीएम ममता का अलर्ट रहने का आदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे गोरखपुर, गीता प्रेस के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। साईं बाबा को भक्त ने चढ़ाया 4 किलो सोना, सिंहासन के नीचे 4 किलो सोने की नक्काशीदार पट्टी लगेगी। वाराणसी में शिवलिंग वाली जगह को सील करने का विरोध, टोंक में SDPI कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। राजस्थान के कांग्रेस विधायक मलिंगा को मिली जमानत, बिजली कर्मचारियों को बुरी तरह पीटने का था केस। सीकर की फैक्ट्री में भीषण आग, 2 वैन सहित 3 वाहन राख। माता वैष्णो देवी की पहाड़ी पर भीषण आग, हिमकोटी के जंगलों में आग पर काबू पाने की कोशिश। कटरा में देवी माई के जंगलों में भीषण आग, तेज हवाओं से आग बुझाना हुआ मुश्किल। उन्नाव एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, डबल डेकर बस पलटने से 3 यात्रियों की मौत। दुर्गापुर में चक्रवाती तूफान से नुकसान, कई घरों की छतें उड़ी। कानपुर के महाराजपुर में लूडो खेलने के विवाद में युवक को मारी गई गोली, हालात गंभीर। संगरूर में स्कूल में गर्मी से छात्र की मौत, 4th क्लास में पढ़ता था बच्चा। देवघर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, सदर अस्पताल के 19 डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। प्रयागराज में मामूली विवाद पर व्यापारी ने युवक को मारी गोली, युवक की हालत गंभीर। जालौर में रईस परिवार की अनूठी शादी, बैलगाड़ी पर गए सभी बाराती। राजस्थान में कांग्रेस ने निकाली आजादी गौरव यात्रा, सीएम अशोक गहलोत ने किया संबोधित। गोपालगंज में पुलिस ने RJD के नेता के कत्ल की गुत्थी सुलझाई, अंतिम समय में साथ देखा गया प्रकाश ही निकला कातिल। आदित्य ठाकरे ने किया बर्फी वाला ब्रिज का दौरा, सड़क निर्माण के काम का लिया जायजा। भदोही में 3 करोड़ की जमीन अवैध कब्जे से कराई गई मुक्त, अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। एसिड अटैक से बची लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की नोएडा में पहल, स्टेडियम में 2 कियोस्क किए गए आवंटित। एनकाउंटर में मारे विकास दुबे का अब तक पंचायत भवन पर कब्जा, अंदर रखा है विकास दुबे का गेहूं, दरवाजों पर लगे हैं परिवार के ताले। प्रयागराज में संगम तट पर फाफा मऊ घाट पर फिर दिखी लाशें, NGT की रोक के बाद भी यहां दफन होते हैं शव। दिल्ली के दरियागंज में मुइनुद्दीन नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या, स्कूटी से आए हमलावरों ने गली में मारी गोली। वडोदरा में होमोफोबिया के खिलाफ जागरूकता लाने की कोशिश, विकल्प नाम की संस्था ने किया कार्यक्रम। राज ठाकरे की पार्टी कर रही है अयोध्या जाना, चाह रहे पार्टी कार्यकर्ताओं का पंजीकरण, 5 जून को राज ठाकरे भी जाएंगे अयोध्या। राजधानी एक्सप्रेस की मनी गोल्ड जुबली, 50 साल पहले शुरू हुई थी ट्रेन। हिमाचल के दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया, छात्रों और पेरेंट्स से की बात। मलिहाबाद में तेज आंधी से तबाही, आम की फसल को भारी नुकसान। बांदा में फिर गर्जा बुलडोजर, गुमाई गांव के प्रधान के अवैध निर्माण को तोड़ा। दरभंगा में मेडिकल कॉलेज छात्रों का विरोध प्रदर्शन, जमीन एम्स को देने का विरोध। समस्तीपुर में चलती ट्रेन से छात्रा गिरी, गंभीर हालत में भर्ती। हॉलीवुड के स्टार जेरेमी रेनर पहुंचे अलवर, स्कूलों में फ्लोराइड पानी को लेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कर रहे हैं शूटिंग। सासाराम में जज के सरकारी आवास में लूटपाट, लुटेरों ने पत्नी बेटी को भी पीटा। अमरावती में बीजेपी के SC मोर्चा का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी।
अहमदाबाद में जघन्य हमला, तलवार से महिला की जान ली, बेटी भी घायल। छत्तीसगढ़ में सरेराह 50 लाख की लूट, घर लौट रहे अनाज व्यापारी को बनाया निशाना। सूरत में कई कारोबारियों का सम्मान, एक स्थानीय अखबार के कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी की शिरकत। आंध्र के कपपा में कार फिसली, 12 मुसाफिर बुरी तरह घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा, 5 लोगों की मौत, कई घायल। हरियाणा के यमुनानगर में 50 लाख की लूट, पैसे जमा करवाने आए व्यापारी के ड्राइवर को गोली मारकर कैश बैग ले भागे दो बदमाश। दिल्ली में जीटी करनाल रोड पर एक बैंक्वेट हॉल में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 11वीं और 12वीं के शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के दिए आदेश, बंगाल के शिक्षा मंत्री से पूछताछ की भी दी इजाजत। पटना में गांधी मैदान के करीब खुल गया आत्मनिर्भर चाय वाली का स्टॉल, समस्तीपुर की रहने वाली है मोना पटेल। दिल्ली से सटे नोएडा में अब 28 अगस्त तक गिराए जाएंगे सुपरटेक के ट्विन टावर्स, सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहले होगम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। गुजरात के कांडला पोर्ट पर खड़े हैं गेहूं के लदे करीब 5000 ट्रक, सरकार ने निर्यात पर लगाई है रोक। गुजरात के भावनगर में अनूठी बारात, दुल्हन को लाने बुलडोजर पर निकला दुल्हा। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत, यमुना का जलस्तर कम होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। मौसम ठीक होने के बाद फिर से शुरू हुई बद्रीनाथ यात्रा, बारिश बर्फबारी की वजह से रोके गए थे श्रद्धालु। दुनिया के सबसे गर्म 15 शहरों में शामिल हुआ यूपी का बांदा, 50 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। यूपी के झांसी में गर्मी से बेहाल हुए लोग, 47 डिग्री के करीब पहुंचा अधिकतम तापमान। राजस्थान के अलवर में 47 डिग्री पहुंचा तापमान, पिछले 4 दिनों से लू ने लोगों को किया परेशान। अमृतसर में गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को किया परेशान, जबरदस्त गर्मी की वजह से बढ़ी मुश्किलें। लागत बढ़ने से छोटी और सस्ती कारों की बिक्री में गिरावट की आशंका, महंगी और प्रीमियम कारों की मांग में हो रही है बढ़ोतरी, क्रिसिल की रिपोर्ट का दावा। अमीरों की लिस्ट में लगातार पिछड़ रहे हैं भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स, गौतम अडानी नेटवर्थ में गिरावट के चलते ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में 8वें स्थान पर खिसके। सीएनजी की कीमतों में तेजी से परेशान लोगों को जल्द मिल सकती है राहत, गैस के दाम 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक घटा सकती हैं कंपनियां। दिल्ली में स्ट्रीट किड्स को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सम्मान समारोह में बढ़ाया गया उत्साह, पढ़ाई से लेकर खाने पीने तक की उठाई गई जिम्मेदारी। सेवा इंटरनेशनल ने लॉन्च किया फेलोशिप कार्यक्रम, यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार बोले युवाओं को प्रदान करना होगा अवसर।